Hello friends, welcome to Shiny Colors Fine Art Classes. This is Rashmi here. और आज फ्राइडे फन ट्रिप में हम बना रहे हैं ये डॉग, रनिंग डॉग। देखिए कितना ब्यूटीफुल ये बना हुआ है। और जो पोज है, रनिंग है, मोशन इसमें दिखाई दे रहा है, वैल्यूज करेक्ट हैं। Just a finishing touch I'm giving here. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो डॉग बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसे एनवेलप की जरूरत पड़ती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स जो ऑब्जेक्ट है जब हम बनाते हैं तो हमें इसका इस तरह से एक एनवेलप जैसा बना लेना चाहिए। एनवेलप एक्चुअली क्या हेल्प करता है कि जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे पेपर पे, और उसके बाद हमें अपने एनवेलप को इस तरह से स्पेसिफाई कर देना चाहिए फीचर्स में। एनवेलप को अब मैं इरेज कर देती हूँ और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स बनाना, डिटेल करना। देखिए कितना सिंप्लीफाई कर दिया है। तो आज के फ्राइडे फन टिप का जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है वो है सिंप्लीफिकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सिंप्लीफिकेशन के लिए, हमें सबसे पहले एक एनवेलप बना लेना है और उसके पूरे जो ऑर्गन्स हैं या पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उनको एक एनवेलप में ऐसे ऑक्यूपाई कर लेना है सो दैट हमारा पेपर जो है पूरी तरह से रेडी हो जाए डिटेल के लिए। तो इनिशियली हमें डिटेल कभी नहीं करना है, डिटेल करने से पहले हमेशा हर ड्राइंग को सिंप्लीफाई जरूर करना है। अगर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हमारा जो ड्राइंग है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं शेडिंग। तो फ्राइडे फन टिप सिंप्लीफिकेशन, याद रखिए कि सिंप्लीफिकेशन के बिना जब भी हम डिटेलिंग करेंगे हमें हमेशा बाद में करेक्शन करना पड़ेगा और उससे हमारा पेपर डर्टी होगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमारी जो ड्राइंग है वो फ्रेश नहीं दिखाई देगी। तो ड्राइंग चाहे आप पेंसिल से करें, वाटर कलर से करें या ऑयल कलर से करें, हमेशा उसमें फ्रेशनेस दिखाई देनी चाहिए। आपने देखा होगा मेरे ज्यादातर वीडियो में मैं फोकस करती हूँ कि हमारी ड्राइंग जो है वो फ्रेश दिखे। अगर हम बार बार इरेज करेंगे हमारे पेपर को कि सही नहीं बना है और इसको सही करना है, या शेडिंग के बाद हम उसको सही करना चाहेंगे तो फिर उसमें पैचेस आ जाते हैं और जो बहुत ही खराब दिखते हैं। तो हमें पैचेस नहीं चाहिए, हमें हमारी ड्राइंग को क्लीन और नीट होना चाहिए। तो जो मेरे स्ट्रोक्स हैं सारे वर्टिकल हैं, इस तरह से मैं शेडिंग करते हुए वैल्यूज का भी ख्याल रख रही हूँ कि जो हमारी वैल्यूज है वो भी करेक्ट रहे। आईज का डिटेलिंग मैंने किया, नोज का, और लेग्स का भी मैं स्टार्ट कर रही हूं। बॉडी का, जो बॉडी हमारी पीछे से ईयर के पीछे से दिखाई दे रही है, मैंने यहाँ पे बस टू ही पेंसिल यूज करी है, 2B जिससे मैंने पहले बनाया, और ये थोड़ी सी डार्क पेंसिल है, ये 6B है, तो इससे मैं शेडिंग कर रही हूँ। ये देखिए हमारा जो डॉग का फेस है वो ऑलमोस्ट रेडी है। पॉज बना लेती हूँ। क्योंकि डॉग बहुत ही चेयरफुल है, रन कर रहा है, तो फेस पे भी वो चेयरफुलनेस दिखनी चाहिए, तो उसका मैंने ख्याल रखा है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई पोर्ट्रेट बनाए, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो
मेन का या फिर फीमेल का, किसी का भी हो, एक फेस पे इमोशन को हमें रखना है, एक चेयरफुलनेस होनी चाहिए फेस पे, उस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे जो लेग्स है उनमें डिटेल करना है, क्योंकि लेग्स जो है वो शेड में है, जो पॉ है जो ऊपर दिख रहा है उसके ऊपर ही लाइट आ रही है, बाकी जो सारा हमारा फिगर है, बॉडी है, वो शेड में है। स्पेशली राइट साइड वाला जो एरिया है उसको मैंने डार्क किया हुआ है। हेड पर भी लाइट पड़ रही है तो हेड को भी हमें लाइट ही रखना है। ईयर को भी हम शेड कर लेते हैं। फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए जो बैकग्राउंड है उसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, सिंपल हैचिंग से ही। ईयर में डिफरेंट वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को भी मैं दे रही हूं। फेस पे भी वैल्यूज का ख्याल रखना है, जहां पे डार्क है जहां पे लाइट है उसका हमें ख्याल रखना है। और ड्राइंग की हमें इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जब भी हम कोई ड्राइंग करें हमारे लिए वो बहुत ही सिंपल दिखे। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने एनवलप बनाकर और उसको इजी तरीके से अब मैं शेड कर रही हूँ, तो मुझे उसको सही नहीं करना पड़ा, करेक्ट नहीं करना पड़ा। एक बार जो ड्रॉ हो गया उसी के ऊपर बस मैं लेयरिंग कर रही हूँ, शेडिंग कर रही हूँ और इस तरह से टोन देते हुए, वैल्यू देते हुए अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी ड्राइंग को पूरा कर रही हूँ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरे दूसरे वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, मैं उनमें आर्ट के प्रिंसिपल्स, आर्ट के जो कॉन्सेप्ट्स है वो बताती रहती हूँ, क्योंकि आर्ट के प्रिंसिपल समझे बिना आप इस तरह से सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो अक्सर मैं पर्सपेक्टिव है, सिंप्लीफिकेशन है, कई छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स के साथ मैंने अपने जो पिछले वीडियोस में दिया हुआ है आप उनको भी जरूर देख लें। मैं कुछ कुछ वीडियोस के लिंक उनमें दे दूंगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस ड्राइंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाले हैं फ्राइडे फन टिप में। फ्राइडे फन टिप के मेरे जो प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें अगर आप आर्ट सीख रहे हैं, क्योंकि आप सभी को आर्ट सही और सिंपल तरीके से सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब, आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने में, वीडियो अपलोड करने में, और मुझे खुशी मिलती है जब आप लोगों के मुझे कमेंट मिलते हैं और आप लोग बोलते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा इन मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से। वो मुझे मोटिवेट करते हैं और भी वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए हमारा जो डॉग है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, कितना ब्यूटीफुल ये बन के तैयार हुआ है, और ऑलमोस्ट सिमिलर आप देखिए लाइकलीनेस कितनी ज्यादा है। चाहे आप पेंसिल से करें, चाहे आप वॉटर कलर से करें, चाहे आप ऑयल से करें, किसी से भी करें, सिंप्लीफिकेशन के बिना डिटेलिंग बहुत मुश्किल है। जो थोड़े से फाइन डिटेल्स हैं उनको मैं यहाँ पे बस टचअप कर रही हूं, और ये हमारा डॉग ऑलमोस्ट डन है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन रखें सो दैट आप कभी भी कोई वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।